प्रधानमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते, अगर वो क्रिकेट भी जानते होते अब तो उनसे कैच छूट गया। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो है इस वक्त पूरे शबाब पर है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने गांव में अपने अपने वोटरों को लुभाने का पूरा काम कर रहे हैं। आज मैं मैनपुरी जनपद के मैनपुरी विधानसभा में, जो कि संतपुर नगर है, गांव है, इसमें ग्रामीण हैं बहुत से हमारे साथ, मैं इनसे आज बात करना चाहता हूँ कि किस तरीके से आज विधानसभा के चुनाव में किसकी सत्ता और किसकी बात होनी चाहिए। यहाँ जो ग्रामीण है, आपका क्या नाम है? शेर सिंह जी। सरकार जो है किसकी बननी चाहिए? सरकार अखिलेश की बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए? अरे अखिलेश अच्छा विकास करते हैं, अच्छा सब कुछ है। ये तो जो योगी जी की सरकार है ये तो बहुत गलत है। सांड गैया सभी खेत खा जा रहे हैं, कोई इन्होंने विकास नहीं किया है इसी वजह से। मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी विधानसभा में कौन प्रत्याशी आपको जीत हासिल करके नजर आ रहा है? राजकुमार यादव आ रहे हैं। क्यों, वो क्यों आ रहे हैं? वो सबसे अच्छे व्यक्ति है। क्या कारण क्या है उनके? उनका बहुत विकास करवाते हैं वो क्षेत्र के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पर विकास के नाम पर समाजवादी पार्टी के राजकुमार जी का नाम आया है। मैं और भी ग्रामीण यहाँ खड़े हुए, आपका क्या नाम है? गिवन जी, आप ये बताइए कि किस पार्टी को इस वक्त वोट देना पसंद कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी को। क्यों? काम करते अच्छे। काम कर रहे हैं? हाँ। क्या क्या काम कर रहे हैं? काम नल लगवा सबको सब सुविधा समाजवादी पार्टी चाहिए गई है। आपको क्या सुविधा मिली? हमें सब सुविधा मिली, सड़क आएगा भाई, सब काम बहुत भाई। सड़क आपके राजकुमार जी ने बनाई? हाँ, जो सब राज, जिस गांव में हम खड़े हुए हैं सीसी खरंजा बना हुआ है। ये कैमरामैन से कहेंगे कि इधर जो ये पटिया लगी वो राजकुमार जी की लगी है। और मैं यहाँ पे ग्रामीण और भी खड़े हुए, मैं बात कर लेता हूँ। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? सुबोध जी, जिस गांव में खड़े हुए हैं ये यहाँ पर विकास जो है कहाँ किसने कराया? राजकुमार जी ने कराया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है तो ये विकास का जो आया है पैसा, वो आया तो जनता का सरकार से ही है। सरकार से आया लेकिन यहाँ कुछ नहीं आया। अच्छा, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कुछ भी नहीं आया। तो और भी लोग हैं, मैं इनसे भी बात कर लेता हूँ। क्या नाम आपका? अरविंद जी, यहाँ पर मैनपुरी की बात कर रहे हैं तो किसे विधायक बनाना पसंद कर रहे हैं? मैं राजू यादव को विधायक बनाना पसंद कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं आप उनको? उन्होंने बहुत विकास किया है, विकास की जो है लहर पूरे तो कोई विधायक है ही नहीं। अच्छा, सबसे अच्छे विधायक राजकुमार है मैनपुरी के अंदर। जी मैं बात कर रहा हूँ, आपसे भी बात करूँगा, क्या क्या खूबियाँ हैं उनके अंदर? उन्होंने अगर जो है जरूरत पड़े तो आधी रात में वो यहाँ आते हैं और जो हर संभव मदद करने की प्रयास करते हैं और जनता को जो है कोई वैसा नहीं होने देते हैं। कोई अगर उनको दबाए सताए या बीजेपी वाला कोई कुछ वर्क करे तो वो जो है हमेशा प्रयास यही करते हैं कि समाजवादी पार्टी को और जो है जनता को नुकसान ना हो। इस वक्त जो है मैनपुरी विधानसभा में BSP और BJP और कांग्रेस की क्या स्थिति है आपकी नज़र में? सपा की सबसे मजबूत दिखाई दे रही है राजकुमार यादव की। लेकिन इन तीनों पार्टियों में क्या क्या स्थिति है आपकी नज़र में? मुझे तो यही लग रहा है विधायक जी जो है अब की बार मंत्री बनेंगे। राजकुमार जी इस वक्त जो है यहाँ की जनता मंत्री बनाना चाहती है। यहाँ पर मैं और भी महिलाएं भी खड़ी, मैं इनसे भी बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? इस बार किसकी सरकार बना रही है? सरकार समाजवादी पार्टी। इधर कैमरे की तरफ देख लें, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी ने क्या दिया आपको? सब कुछ दिया, उन्होंने जाति भेद नहीं किया और किसान जो है हर तरह से किसान बर्बाद है। जमीने वहाँ देखो, खेतों में जो भी फसल होती है, पहले तो बिजली नहीं आती है, बिजली आती भी टाइम टू टाइम बिजली आती है, फसल होती नहीं। उसके बाद हाईवी, उसमें वे जानवर क्या नाम वो गायें बछड़े सारी सारी रात लड़के आदमी वहीं डरे रहते। दूसरी बात, जो राशन है वो राशन की जरूरत नहीं, पढ़े लिखे युवा घूम रहे जो बेचारे 500 बार टेस्ट देके आते, कहीं कुछ हो जाता कहीं उनको जगह ही नहीं दी जाती। ये जातिवादिता उनके अंदर नहीं है। यहाँ जो भी काम हुआ है सार्वजनिक रूप से, हमारे यहाँ हर कास्ट के व्यक्ति रहते हैं। ये रोड बना सभी के लिए, कोई इसमें जे नहीं नियमावली कि इसमें एक ही हो, हर व्यक्ति का प्रयोग करता है। रहा बिजली का,
बिजली की भी स्थिति यही है, बहुत खराब है। अब जब किसान के यहाँ बिजली नहीं आएगी, वो किसी भी कास्ट का हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो मेहतर हो, उसके किसान के अंतर्गत हर कास्ट आती है। जब उसकी बिजली फ्री होगी तब वो सकुशल होगा। उसका बच्चा युवा पढ़ा लिखा बेरोजगार घूम रहा है, उसके बच्चे कहीं जाएंगे तो उन्हें नौकरी मिलेगी, रोजी रोटी मिलेगी? कोई भी नौकरी देने वाला नहीं है। युवा मारे मारे घूम रहे, पढ़े लिखे हैं, टेस्ट देके आरक्षण सारा खा लिया। 69,000 का जो आरक्षण था बच्चों का, शिक्षक जो भर्ती हुई और उसमें बच्चे पास हो गए, और पास होने के बाद भी बच्चे घर पे बैठे हुए हैं। आप किसकी सरकार बनाना? समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, उन्हीं का बहुमत है और उन्हीं को हम वोट देंगे। किसान भी उन्हीं का है और हर व्यक्ति उन्हीं का है। क्या नाम है आपका? किरण कुमारी। किरण कुमारी जी का ये दावा है कि हर तरीके से सरकार जो है बीजेपी सरकार फेल है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी का बहुमत लेकर समाजवादी पार्टी बन रही है। मैनपुरी से कैमरा पर्सन के साथ अजय सिंह भास्कर की रिपोर्ट।